नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इंदौर MPPSC ने राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का जो प्रारंभिक परीक्षा परिणाम है घोषित कर दिया है। प्री का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है MPPSC ने। इसमें आप देख सकते हैं जो MPPSC का एग्ज़ाम हुआ था प्री का 2020 के लिए, दिनांक था 25/7/2021 रविवार के दिन। तो उसमें जो राज्य वन सेवा है स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का जो प्री का एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो आ गया है, आप देख सकते हैं। इसमें फॉरेस्ट सर्विस के लिए जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 111 टोटल पोस्ट थे। अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी में 50, आप देख सकते हैं। अनुसूचित जात SC में 12, अनुसूचित जनजात ST में 7, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में 32, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS में 10। तो इस तरह से टोटल 111 कुल पोस्ट थे। इसमें जो टोटल जो है 20 गुना लोगों को सेलेक्ट किया गया, यानी लगभग 3129 जो अभ्यर्थी हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, क्वालिफाइंग हो गए हैं मेंस के लिए। प्री में क्वालिफाई हो गए हैं, अब वो मेंस का जो है एग्ज़ाम देंगे। मेंस का जो एग्ज़ाम है उसमें इतने सारे लोग जो हैं बैठेंगे। अब इसमें भी देख सकते हैं टोटल 3129 लोग को सिलेक्शन प्राप्त हुआ है। जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग हो गए हैं, अब ये मुख्य परीक्षा देंगे, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 रोल नंबर वाइज लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स प्रोविजनल। उसमें जितने भी रोल नंबर वाइज आप देख सकते हैं पूरी जो है यहाँ पर लिस्ट है, इसमें पूरी जो है आप देख सकते हैं लिस्ट है। और इस जी देख सकते हैं 3129 जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका पूरा ये रोल नंबर है, ठीक है। अब उसके बाद महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। अब जितने लोग जो हैं और मुख्य परीक्षा है राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए जो है क्वालिफाई हो गए हैं, तो अब ये मेन एग्ज़ाम देंगे। और उसके लिए जो है आगे जो जानकारी है वो आएगी, उसके लिए विज़िट कर सकते हैं www.mppsc.mp.gov.in पर, वहाँ से पूरी जानकारी जो है प्राप्त हो जाएगी। फिर वो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे मुख्य परीक्षा के लिए, मेन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बस इतना ही है। अब आगे देखते हैं इस बार कट ऑफ क्या था उसके बारे में। जी तो इसमें जो राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है, ठीक है। स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 2020 कैटेगरी वाइज मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, तो इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी अनारक्षित अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी में 262 नंबर तक जो है मिनिमम रहा, यानी 262 नंबर जिसका आया है उनका सिलेक्शन हो गया है मेंस के लिए। अनुसूचित जाति SC में 248 नंबर तक और अनुसूचित जनजाति में 242 और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में 254 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS में 254। यानी इतने नंबर वाले सभी जो अभ्यर्थी हैं कैंडिडेट हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं। ये कट ऑफ जो है वो दोनों जो पेपर हैं GS और CSAT दोनों पेपर का मिला के यहाँ पर जो है कट ऑफ बनता है।
और इसी तरह से जो स्टेट सर्विस होती है राज्य सेवा में, वहाँ पर जो आपका जीएस का पेपर होता है वो मेन होता है, वहाँ से आपका कट ऑफ बनता है। ठीक है, तो ये दोनों ही पेपर यानी 400 में है, ये 400 में 262 तक के लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और बाकी जो नंबर दिए हैं ये मिनिमम हैं। इतना नंबर जिनका भी आया है 400 में वह सभी सेलेक्ट हो गए हैं। तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।